हेलो गाइस, सो एक्चुअली हम पहले भी बात कर चुके हैं डिस्पर्शन की। तो डिस्पर्शन का मैंने आपको एक शॉर्ट एग्जांपल दिया था, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्पर्शन को कैलकुलेट कैसे करना है, उसके थोड़े से मेथड्स देखेंगे और देखते हैं। तो मैंने जैसे आपको डिस्पर्शन बताया था, तो ये है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी डिस्क्राइब द स्प्रेड और द डिस्पर्शन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा। तो एक्चुअली ये वही लिखा है कि हमारा डेटा कितना स्प्रेड है, डिस्पर्शन वो हमको बताता है कि हमारे डेटा में फैलाव कितना है। रिलायबिलिटी ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल डिपेंडेंसी, ओके वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कितना रिलायबल है। टू कंपेयर डिस्पर्शन ऑफ वेरियस सैम्पल्स, अलग अलग हमारे डेटा सेट का जो सैम्पल है उसका डिस्पर्शन हम देखते हैं और कंपेयर करते हैं। तो अगर एक बार मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लूँ आपको रिमाइंड कराने के लिए, तो जैसे कि ये चार मैंने कैश के ये लिए हैं मैंने बैग्स, एंड अगर मैं इसका मीन देखूँ तो यही आएगा, ठीक है। और इस वाले अगर ये चार बैग देखो तो इनमें वेरिएबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा, बट मीन इसका भी यही आएगा। क्योंकि दो छोटे हैं, एक बड़ा है, बट और ये बड़ा है, बट इसमें सारे सेम हैं, तो मीन दोनों का सेम ही आ रहा है। तो ये होती है वेरिएबिलिटी, दोनों डेटा में वेरिएबिलिटी है बट मीन सेम है। इसको ही कैलकुलेट करते हैं हम डिस्पर्शन से। तो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन क्या है, तो वो हम देख लेते हैं। कॉमन मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी हम क्या क्या पढ़ेंगे, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, जेड स्कोर्स एंड कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन। तो सबसे पहले आता है रेंज, रेंज ऑफ अनग्रुप डेटा। अब देखना इसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। ये जैसे हमको डेटा दिया हुआ है, तो इसमें हमें क्या करना है कि इसको सबसे पहले सॉर्ट करना है, उसके बाद जो भी मिनिमम वैल्यू है और जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो इसमें मिनिमम वैल्यू इस डेटा सेट में क्या दिख रही है, 35, मैक्सिमम क्या दिख रही है, 48। सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, 13। 13 हमारी आ गई रेंज। तो बहुत सिंपल है इसको कैलकुलेट करना। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द सेट ऑफ डेटा, सिंपल टू कंप्यूट, इग्नोर्स ऑल द डेटा पॉइंट्स एक्सेप्ट द टू एक्सट्रीम। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो एक्सट्रीम वैल्यू ले रहे हैं, या तो एक लोएस्ट ले रहे हैं और एक हाईएस्ट ले रहे हैं, बट इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये सारी बाकी की वैल्यूज़ को छोड़ देता है, केवल दो वैल्यू पे ही डिपेंड कर रहा है, दोनों एक्सट्रीम वैल्यू, एक तो लोएस्ट और एक लार्जेस्ट। क्वार्टाइल्स, अब क्वार्टाइल्स कैसे कंप्यूट करना है ये हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक डेटा हमारा जो भी डेटा सेट है उसको चार पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब चार पार्ट में हम कैसे डिवाइड करते हैं, इसलिए इसका नाम क्वार्टाइल है। अब जो फर्स्ट पार्ट है Q1, वो होता है 20% ऑफ द डेटा सेट विच इज़ द बिलो द फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। पहले पार्ट में 25% डेटा सेट आएगा, दूसरे में हम 50% तक का देखेंगे, तीसरे में 75% का देखेंगे, ठीक है। तो सब में गैप कितना है, 25-25% का, ठीक है। अब बस अब देखते हैं कि क्वार्टाइल कैसे होता है। तो देखो एक बार डायग्राम देख लो, तो हमने जैसे ये पूरा डेटा सेट है हमारा 100%, इसको अगर मैं तीन क्वार्टाइल देखूं तो वो ऐसे डिवाइड हो रहे हैं। फर्स्ट जो Q1 है वो 25% डेटा यहाँ तक, फिर उसके बाद जो Q2 है तो ये क्या करेगा, उस 25% के आगे का जो 25% हुआ वो, Q3 उसके 25% का आगे वो, एंड देन फिनिश। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमें क्वार्टाइल्स कैसे निकालने हैं। ये हमारा ऑर्डर एरे दिया है, सबसे पहले एरे अगर ऑर्डर ना भी हो तो उसको ऑर्डर में चेंज करना है, फिर उसके बाद ये ऑर्डर एरे दिया है। अब इसमें एलिमेंट्स काउंट करो, सबसे पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देन जैसे हम परसेंटाइल कैलकुलेट करते थे ना, सेम वैसे ही है। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टाइल कंप्यूट करना है, तो 25% है वो, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड बाय 100, तो क्या आ गया, 2। अब जैसे उसमें हमने देखा था, अब जैसे 2 आ गया तो क्या करते हैं, ये होल नंबर है, अब होल नंबर है तो सेकंड पोजीशन प्लस थर्ड पोजीशन डिवाइडेड बाय 2, तो सेकंड पोजीशन पे है 109, फिर है 114, दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। Q2 50% है, तो 50 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई किया 8 का, ये जितने भी एलिमेंट्स है 4 आया, होल नंबर है ये, इसके आगे वाला दोनों की पोजीशन का सम करके 2, तो ये और ये अपॉन 2 ये आ गया। 75% भी सेम मेथड, 6 आया तो 6 प्लस 7 पोजीशन पे जो भी है उनका सम करके 2।
अब इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में बात करेंगे। हम जो कंप्यूट करते हैं ना, वो हम इंटर क्वार्टाइल रेंज से कंप्यूट करते हैं डिस्पर्शन को। अब इसको कैसे करना है कि सबसे पहले अपन के डेटा सेट को अपन को मीडियन लेना है, और मीडियन से अपने डेटा सेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, मीडियन के लेफ्ट साइड वाला पार्ट और राइट साइड वाला पार्ट। फिर उन दोनों से हम उनका मिडिल एलिमेंट निकाल के वो माइनस करेंगे। एक बार देख लेते हैं एग्जांपल से कैसे। जैसे कि ये मैंने डेटा ले लिया, अब इसमें टोटल देखो, अब टोटल एलिमेंट देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स हैं। तो जो मीडियन होगा वो क्या होगा, 9 + 1/2 क्या आ गया, 5। मतलब जो भी फिफ्थ पोजीशन पे है, तो फिफ्थ पोजीशन पे इस पे क्या है, 10। तो मीडियन क्या आ गया हमारा, 10। अब 10 को अभी छोड़ो, और 10 का लेफ्ट पार्ट देखो और राइट पार्ट देखो। तो 10 दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट में क्या आ गया, 4 4 6 7, सेकेंड पार्ट में क्या आ गया, 11 12 14 15। फिर उसके बाद हमें इन दोनों पार्ट्स का इंडिविजुअल मीडियन कैलकुलेट करना है। तो टोटल कितने हैं देखो, 4 एलिमेंट्स हैं, तो मीडियन क्या होगा, 2 + 3/2। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मीडियन वाली वीडियो देख लेना। तो सेकेंड पोजिशन पर जो भी है और थर्ड वाली जो भी है, दोनों को सम किया, डिवाइड किया 2 से 5, ये मीडियन आ गया। इसमें क्या निकलेगा, 12 + 14/2 = 13। अब इन दोनों के बीच का जो सब्ट्रैक्शन है वो हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एरे को ऑर्डर किया, मीडियन निकाला, मीडियन से दो पार्ट्स में डिवाइड किया, उन दोनों का इंडिविजुअल मीडियन निकाला, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये होती है इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब हमारा जो आता है डेविएशन, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा ये कैसे कैलकुलेट करना है सब कुछ। सो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।